पोस्ट वितिजम हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत हिंदी के प्रमुख कवि एम पी कमल जी से लिखी हुई के वीर सपूत बाल गंगाधर तिलक की जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ हमारे पूर्वज कमतर संसाधनों व विपरीत परिस्थितियों में इतने साहस और शौर्य का परिचय दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं इसी भावना से तिलक ने इन पर्वों और मेलों की नींव डाली तिलक को अपने मंतव्य में आशातीत सफलता मिली कुछ ही वर्षों में महाराष्ट्र के समाज में नई जागृति आ गई हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ जनता की परंपरा बड़ी तेजी से पनपती है तिलक के प्रयास से समाज में नवचेतना जागी तो पूरे महाराष्ट्र में तिलक चर्चा का विषय बन गए लोगों ने इतना उत्साह दिखाया तिलक के कार्यों और प्रयासों को इतना उछाला कि तिलक ब्रिटिश हुकूमत की नजरों में खटकने लगे तिलक का विरोध आरंभ हो गया इंडियन अनरेस्ट में वैलेंटीन चिरोल ने लिखा इन उत्सवों में धार्मिक गीत गाए जाते हैं और नाटक खेले जाते हैं जिनमें पौराणिक आख्यानों का उपयोग विदेशियों के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है मेच शब्द यूरोपियो तथा मुसलमानों के लिए प्रयोग किया जाता है इस पर्व के जुलूस आदि मुसलमानों और पुलिस के साथ झगड़ा करने की दृष्टि से निकाले जाते हैं इन झगड़ों के कारण जो कार्रवाई होती है उसका उपयोग भी उत्तेजक भाषणों के लिए होता है गणपति उत्सव आरंभ होने के साथ ही तिलक का प्रचार क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है तिलक ने अपने समाचार पत्रों में अंग्रेजी समाचार पत्रों के आरोपों का खंडन किया तिलक ने अपनी सभाओं और भाषणों में मुसलमानों को आश्वस्त किया है कि वे अंग्रेजी समाचार पत्रों में छपी इन खबरों के बहकाव में ना आए कि महाराष्ट्र के गणेश उत्सव तथा शिवाजी महोत्सव मुसलमान विरोधी है गणेश हिंदुओं के आदि देवता है और धार्मिक मामलों में हिंदू मुसलमानों में कोई विरोध नहीं है जब हिंदू मुहर्रम आदि में खुलकर भाग लेते हैं तो मुसलमानों को भी गणेश उत्सव में आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए शिवाजी शिवा तो इस्लाम का उतना ही आदर करते थे जितना हिंदू धर्म का उनकी लड़ाई मुगलों व आदिशाहों से थी अनेक मुसलमान उनकी सेना में उनके विश्वसनीय साथी थे रही अंग्रेज सरकार की बात यह तो स्पष्ट ही है कि यह सरकार हमें एक नहीं देखना चाहती थी वह हमें आपस में लड़ाना चाहती है जिससे उसकी भारत पर पकड़ और मजबूत हो सके सरकार कभी हिंदुओं का साथ देती है तो कभी मुसलमानों का परंतु दोनों का साथ एक साथ नहीं देती एक का साथ देकर उसकी सहानुभूति जीतकर सरकार अपनी शक्ति बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है इस राजनीति ने सरकार को सदैव लाभ पहुंचा है और देश में हिंदू मुसलमान एकता को चोट पहुंचाई है हमें इस चाल को समझना चाहिए और सरकार के झूठे बहकाव में नहीं आना चाहिए अगले अंक में तिलक ने शिवाजी महोत्सव में क्या किया हम जानेंगे धन्यवाद Download Samaram Multi Channel app and watch your favorite channels from your mobile app available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.